मलेशिया ने भारत में बने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को अपने फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए चुना है। दोनों देशों के बीच डील को लेकर बातचीत चल रही। मलेशिया ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मांगा था, जिसका जवाब HAL ने दे दिया। मलेशिया 18 ट्रेनर यानी FLIT LCA खरीदना चाहता है। मलेशिया के अलावा तेजस LCA में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं। मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए प्रतियोगिता में चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का F-50 और रूस की तरफ से MiG-35 और Yak-130 प्लेन शामिल थे, लेकिन तेजस ने इन सबको पछाड़ कर मलेशिया की पहली पसंद बन गया। ये जानकारी 5 अगस्त 2022 को लोकसभा में राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल के जवाब में दिया। LCA तेजस की डील में भारत मलेशिया को MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का ऑफर भी दे रहा है। यानी मलेशिया में एक ही फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां भारतीय इंजीनियर तेजस समेत रूसी सुखोई SU-30 फाइटर जेट की मरम्मत भी करेंगे। इस लड़ाकू विमान को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर R. माधवन ने कहा, मैं इस बात को लेकर बेहद खुश हूं और आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं कि हम ये डील जरूर करेंगे। हमारा तेजस अपने प्रतियोगिता से कई मामलों में बेहतर है। चीन का JF-17 फाइटर जेट तेजस से सस्ता है, लेकिन वो तेजस MQ-1A वेरिएंट की खासियतों के आगे कहीं नहीं टिकता। हमारा तेजस कोरिया और चीन के फाइटर जेट से कई गुना बेहतर, तेज, घातक और अत्याधुनिक है। अगले साल से भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा। स्वदेशी मल्टीरोल कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस मार्क 2 को बनाना शुरू किया जाएगा। साल 2025 तक HAL तेजस मार्क 2 का उत्पादन भी शुरू कर देगा। तेजस के इस अपग्रेड वर्जन में ज्यादा इंजन, ज्यादा रेंज, ज्यादा वजन उठाने की क्षमता, ज्यादा इंजन पावर और सुपीरियर नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम होगा। ज्यादा वजन और रेंज की वजह से ये Mark 1A से बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं तेजस की तमाम खासियतों के बारे में और बताते हैं पाकिस्तान से चीन क्यों कांपते हैं। इसके नाम से ही, दरअसल तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने में सक्षम है और 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में उड़ान भर सकता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13500 किलो है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है, जिनमें डर्बी, Python-5, R-73, अस्त्र, असराम और मेटियोर शामिल है। खैर, तेजस की ये सारी खूबियां उसे दुश्मनों पर और ज्यादा आक्रामक बना देती हैं। यानी भारत के इस आसमानी योद्धा की ताकत में और ज्यादा इजाफा होने के बाद ये वायुसेना के तरकस का वो तीर बन जाएगा जिसका खौफ दुश्मन और उसके इरादों को अपनी हद में रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।